एपिसोड के स्टार्ट में दिखाए जाते हैं। जैसे ही ड्यू डोर ओपन करते हैं, मिंट ड्यू पे गन पॉइंट कर लेती है और ड्यू से देखकर बहुत ज़्यादा शोक हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, ये तो मिंट की इमेजिनेशन होती है। एक गार्ड मिंट के पास आते हैं और कहते हैं, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? आपकी कार का इंजन कुछ देर से चालू है। मिंट कहते हैं, इट्स ओके, बस मैं कार में कुछ ढूंढ रही थी, इसीलिए चालू कर रखा था। तो वह गार्ड चला जाते हैं और फिर जो मिंट के पास मैसेज करते हैं कि क्या तुमने उनकी गन देखी? तो मिंट कहती, यस, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। और फिर हमें मम के वर्ल्ड में 14 नवंबर का दिन दिखाया जाता है। गेम कहता है, तुमने जो कहा उसे दोबारा कहो। मम कहता है, तुम लोग ज़्यादा सरप्राइज मत हो, बस मैंने तुम लोगों से कह दिया कि मैं हर रात सिर्फ स्टेज पे एक राउंड के लिए ही जाऊँगा और उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। पिंक कहते हैं, और मेरे बारे में क्या? मम कहते हैं, तुम दूसरे राउंड के लिए भी जाओगे। मिंट कहते हैं, क्या फिर से? फिर मम पब के दो लड़कों से कहते हैं कि तुम दोनों सिंगिंग करोगे। वो तो दोनों कहते हैं, हमें सिंगिंग नहीं आती। तो मम गेम से कहते हैं, कैसा रहेगा कि हम कोई न्यू सिंगर हायर कर लें, तुम उसे मेरी सैलरी से पे कर सकते हो। गेम कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? मम कहते हैं, हाँ। तभी पीवी गेम से कहते हैं कि तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? गेम कहते हैं, मैं क्या कहूँ, इसने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है, तो मैं क्या करूँ। और तभी वहाँ पे मिंट आ जाती है और वह मम से कहती है, क्या तुम रेडी हो? और फिर हम दिखाया जाता है, मिंट मम का मेकअप कर रही होती और कहती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो मम कहते हैं, मुझे मेकअप करवाना अच्छा नहीं लगता। मिंट कहती है, बस थोड़ा सा ही तो अप्लाई कर रही हूँ। और फिर मिंट किसी को कॉल करती और कहती है, तुम्हारा मॉडल यहाँ है, मैं उसकी फ़ोटो तुम्हें सेंड करती हूँ। तो मम मिंट की तरफ देखने लगते हैं। मिंट कहती है, ये सब क्या है? मम कहते हैं कि तुम मुझे कसम खा कर कहो कि तुम मुझे इन सब के लिए जो फोर्स कर रही हो वो बस तुम्हारा वर्क है। तो मिंट कहती है, दैट्स राइट, मैं सिर्फ ये वर्क के लिए ही कर रही हूँ। तो सभी लोग मिंट की तरफ देखने लगते हैं। मिंट कहती है, ये सब क्या है, क्या तुम लोग ये सब नहीं करते? तो मम स्माइल करने लगते हैं। मिंट कहते, स्माइल करना बंद करो और जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। और फिर मम का फ़ोटो शूट होता है और जब मिंट मम के ड्रेस ठीक करने आती है तो मम के नेल्स कटे हुए देखती है और मम से कहती, ये किसने कट किए? तो मम ड्यू के बारे में सोचता है और मिंट को नहीं बताता। मिंट कहती, बताओ मुझे किसने किए? तो मम मिंट की बातों को इग्नोर करता है और फिर कहता है, चलो और फोटोज ले लेते हैं, मुझे घर जाकर सोना भी है। तो मिंट कहते हैं, और राइट, हम कुछ फ़ोटोज़ और ले लेते हैं। और फिर मम का और फोटो शूट होते हैं और जब फ़ोटो शूट ख़त्म हो जाते हैं तो मिंट कहती है, मैं जा रही हूँ, मुझे ये फ़ोटोज ब्रांड ऑनर को दिखानी है। तो मम कहते हैं, मिंट कहती है, क्या है? मम कहते, क्या तुम उस गाय के लिए सीरियस हो? मिंट कहती, किसके लिए? मम कहते, मेरा मीन्स उस ब्रांड ऑनर से, ओबियसली तुम उसके क्लाइंट की इतनी ज़्यादा केयर करती हो। मिंट कहती, ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा ही अपने क्लाइंट्स की केयर करती हूँ। मम कहते हैं कि मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, वह तो बहुत ही अनलकी है जो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो मिंट कहती कि जिसने तुम्हारे नेल कट किए वो ज़्यादा अनलकी जो तुम्हें लाइक करते हैं। तो मम कहते हैं, वो तो बहुत लकी है। मिंट स्माइल करके कहती, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। और फिर नाइट में मम अपने मेडिसिंस लेते हैं और सो जाते हैं। और फिर मम डियो के वार्ड में उठते हैं और मम डियो को बालकनी में खड़ा देखते हैं तो उसे बैक हग कर लेते हैं। डियो सोख हो जाते हैं। मम कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और यह कहकर हग कर लेते हैं। लेकिन डियो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो मम कहते हैं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल है? तुम्हें कॉल ले लेना चाहिए, इट्स ओके, मैं वेट कर सकता हूँ। तो डियो कहते हैं, अगर मैं ये कॉल लूँगा तो क्या तुम सैड होंगे? मम कहते हैं, हाँ मैं सैड होऊंगा और मुझे ये चीज़ हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जिसे मैं लव करता हूँ वो ऑलरेडी किसी से कहते हैं और ये चीज़ मैंने अपने आप से बहुत टाइम कही है और मेरा अभी भी वही आंसर है। मेरा आंसर यही है कि मैं तुम्हें लव करता हूँ। डियो कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैम कहते हैं, क्या तुम खाना चाहोगे?
फिर हमें रूप टूप का सीन दिखाया जाता है। डियो और मम के पास एक ड्रिंक होते हैं। डियो कहते हैं कैसा लगा तुम्हें, मम कहते हैं थोड़ा सा स्वीट थोड़ा सा खट्टा। डियो कहते हैं ये मुझे पसंद है क्योंकि ये ना ही तो ज़्यादा स्वीट है और थोड़ा बहुत खट्टा भी है और इसमें एल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसी ड्रिंक कभी भी नहीं मिली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो मम कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम मेरे वार्ड में नहीं आ सकते वरना मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कॉकटेल बनाता। तो डियो कहते हैं आई एग्री, उस दिन मैं मरा था तो मैंने लास्ट सेंटेंस तुमसे क्या कहा था। मम कहते हैं लव यू, और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा शोक में था क्योंकि मैं तुमसे पहली बार मिला था और फिर मैंने तुम्हें किस किया था। तो डियो कहते हैं जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुमने भी मुझे किस किया था। मम कहते हैं रियली। डियो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश था, एटलीस्ट मैंने उस दिन मरने से पहले जिससे मैं लव करता था उससे मैंने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। तो मम डियो को हक कर लेते हैं और फिर दिखाया जाता है मम डियो को पैरेलल थोरी बताता है और फिर डियो से कहता है जैसा तुमने मुझे बताया जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब वो 6 नवंबर था। तो डियो कहते हैं और जब मैं तुमसे मिला था तो तुमने मुझसे कहा था कि वो 24 नवंबर था। मम कहते हैं लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो 6 नवंबर था और वो भी मेरी वार्ड में। डियो कहते हैं लेकिन मेरी वार्ड में वो 24 नवंबर था, इसका मतलब हमारी वार्ड का टाइम पैरेलल है, वो भी रिवर्स टाइम है और हम दोनों एक दूसरे से 6 और 24 नवंबर के बीच मिले थे और उसके बाद हम दोनों नहीं मिले। मम कहते हैं मेरी बात सुनो, हमारे पास अभी भी टाइम है, हम अभी भी मर्डरर को ढूंढ सकते हैं। तो डियो कहते हैं अगर हम ढूंढ ले तो क्या हमारी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। मम कहते हैं कि अगर तुम 24 नवंबर के दिन सेफ रहो तो शायद हो सकते हैं हम लोग और दिन भी मिल सकते हैं। तो डियो कहते हैं ये तो अच्छी बात है लेकिन अगर हमारी डेस्टिनी चेंज होगी तो इस वर्ल्ड के लोगों को भी तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। मम कहते हैं आई थिंक यस, उनको थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकते हैं और तुम्हारे अंकल पर्टिन वो शायद जेल में भी हो सकते हैं और तुम जिंदा भी बच सकते हो। तो डियो कहते हैं क्या मुझे अंकल को बता देना चाहिए। मम कहते हैं जैसा कि तुमने मुझे बताया इन सब में सबसे ज़्यादा सस्पेंस पर्सन तो तुम्हारे अंकल ही है। तो डियो कहते हैं कि वो कंपनी में करप्ट कर सकते लेकिन वो मर्डरर नहीं हो सकते। तो मम कहते हैं हमें प्रूफ करना होगा और हम तुम्हारे अंकल से ही स्टार्ट करते हैं, अगर वो मर्डरर निकलते हैं तो देखेंगे वो नहीं तो हम किसी और पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डियो कहते हैं लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे। मम कहते हैं तुम्हारे अंकल का घर यहाँ से कितनी दूर है। डियो कहते हैं लगभग 20 मिनट। मम कहते हैं लगभग 20 मिनट तो हमारे पास मतलब हर दिन का 1 घंटा है, तुम मुझे तुम्हारे अंकल के घर लेके जाओगे। डियो कहते हैं क्या कहा तुमने। मम कहते हैं कि जब तुम्हारे वार्ड में कोई भी मुझे नहीं देख सकता तो सिर्फ इस केस में मैं ही वो पर्सन हूँ जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मारा हो तो हम लोग उन पर लीगली एक्शन ले सकते हैं और अब मुझे वापस जाना होगा लेकिन मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ कि कल मैं फिर से आऊँगा और इस केस में इन्वेस्टिगेट करने में तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो डियो कहता है लेकिन तुम्हारा कल वो तो मेरा पास्ट होगा ना, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि तुमने मुझे प्रोमिस किया था। मम कहते हैं डोंट वरी डियो, मैं सब कुछ करूँगा लेकिन मैं तुम्हें अपना प्रोमिस याद दिलाने की ट्राई करूँगा और बस तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खोना चाहता। और यह कहकर मम चला आते हैं और अपने वर्ड में आकर अपनी डायरी में से डियो का स्केच निकाल कर देखने लगते हैं और फिर मम अपने ग्रुप में मैसेज करते हैं कि कल मैं पब नहीं आ सकता, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करना है। और फिर सीन शिफ्ट होते हैं और हमें पीवी को दिखाया जाता है। पीवी अपनी कार रिपेयर कर रहे होते हैं और तभी केम आ जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। तो पीवी कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। केम कहते हैं तुम्हारी कार बूढ़ी हो चुकी, मुझे नहीं लगता है कि ये फिक्स होगी, तुम्हें एक न्यू कार बाय कर लेनी चाहिए। तो पीवी कहते हैं
ये तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम तो एक पब के ओनर हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। गेम कहता है जो भी इसमें टूटा है उसे अब फिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए बेटर है कि तुम इसे छोड़ ही दो। तो बीवी कहता है कि मैं अपनी कार को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, कल टो ट्रक आकर इसे ले जाएगा। और फिर बीवी कैब बुक करने लगते हैं। तो गेम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? बीवी कहते हैं कि मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ। गेम कहता है कि कैब वाला तुम्हारे घर तक ले जाने में कितना कॉस्ट लेता है? तो बीवी कहते हैं लगभग 120 बार। गेम कहते हैं ओके मुझे पे कर देना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। बीवी कहते हैं नहीं मैं टैक्सी ले रहा हूँ ना। गेम कहता है कम ऑन और अपना फ़ोन यूज करना बंद करो, चलो। और फिर गेम जबरदस्ती बीवी को कार में बिठा देते हैं। और जब वे दोनों आ जाते हैं तो बीवी गेम को पैसे देने की ट्राई करते हैं। गेम कहते हैं मुझे लगा था कि तुम सीरियस हो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो बीवी गेम को ज़बरदस्ती पैसे देता है और कहते हैं ले लो इसे और थैंक यू मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। गेम कहते हैं गुड नाइट और फिर गेम ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे नींद आ रही हो। तो बीवी कहता है वेट और फिर बीवी गेम को घर ले आता है और उसे ड्रिंक देता है और कहता है जब तुम्हारा ड्रिंक फिनिश हो जाए तो रेस्ट कर लेना और जब तुम अच्छी तरह से जाग जाओ तो घर चले जाना। तो गेम कहते हैं तुम हैंडसम ही नहीं हो बल्कि तुम काइंड भी हो। तो बीवी कहते हैं मैं उतना भी काइंड नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम स्लीपी होकर ड्राइव करो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो गेम स्माइल करने लगता है। बीवी कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? गेम कहता है जब तुम मुझे डांटते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीवी कहता है कोई भी डांट सुनना नहीं चाहता। गेम कहता है मुझे नहीं पता लेकिन जब भी तुम मुझे डांटते हो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई है जो मुझे देखता है, मेरी केयर करता है। बीवी कहते हैं अब बस भी करो, तुम हमेशा ही बहुत सारी वुमन्स के साथ फ्लर्ट करते हो। गेम कहते हैं हाँ ये सच है लेकिन किसी ने भी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि वो मेरी केयर करता है। तो बीवी कहते हैं मुझे जाकर सावा लेना है और यहीं कहकर जाने लगते हैं। तो गेम बीवी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं भी जाना चाहता हूँ। बीवी कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? गेम कहता है मेरा मतलब है जब तुम्हारा फिनिश हो जाए तो मैं भी बात लेना चाहता हूँ। बीवी कहते हैं छोड़ो मुझे और फिर बीवी बात लेने चला जाते हैं। गेम बीवी के पास जाते और कहते हैं क्या तुम्हारा हो गया? बीवी कहते हैं बस हो गया, थोड़ी सी देर वेट कर लो। और जब बीवी गेट खोलते हैं तो गेम को देख कर कहते हैं क्या तुम नेकेड हो? गेम कहते हैं मुझे बात लेना है और क्या मैं तुम्हारा टावल ले सकता हूँ? और फिर गेम बीवी का ही टावल ले लेते हैं और स्माइल करके चला जाते हैं। बीवी शौक से गेम की तरफ ही देखने लगते हैं और जब गेम बात लेकर आते हैं तो बीवी को स्मेल करता और कहते हैं ये तुमने कौन सी क्रीम लगाई? इसकी स्मेल तो बहुत ही नाइस है। बीवी कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? गेम कहते हैं क्या तुम्हें नींद आ रही है? बीवी कहते हैं और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? गेम कहते हैं हम साथ सो सकते हैं ना, मेरा मतलब है हम दोनों साथ ही तो सोने वाले हैं। बीवी कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। तो गेम कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा अगर तुम नहीं चाहते हो। तो बीवी गेम की तरफ देखने लगते हैं। गेम कहते हैं कम ऑन बस मैं तो मजाक कर रहा था। तो बीवी सो जाता है। गेम बीवी के ऊपर से होकर जाता है। तो बीवी कहते हैं ये सब क्या है? तो गेम स्माइल करके सो जाता है और फिर दोनों को ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। गेम बीवी से कहते हैं मैं अपनी आँखें बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है अगर मैं अपनी आँखें खोला तो मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाऊँगा। और फिर गेम उठ कर कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि हम लोग ये ना करें? बीवी कहते हैं नहीं ओके लेकिन मुँह पे मत करना, तुम चिक्स पे कर सकते हो। तो गेम स्माइल करते हैं और बीवी के चिक्स पे किस करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं और हमें मम को दिखाया जाता है जो ड्रेस चूज कर रहा होता है और तभी मिंट का कॉल आ जाता है। मम कहते हैं क्या हुआ मिंट? मिंट कहती क्या तुमने अपनी आईज ही देखी? तुम्हारी लाइक तो बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और ब्रांड ओनर वो तुम्हें थैंक यू कहना चाहता है और तुम्हें खाने पर ट्रीट देना चाहता है।
मैम कहते हैं कि तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों के बीच थर्ड भी नहीं बनना चाहता। मिंट कहते ऐसा मत करो, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। तो मम कहते नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं भी कॉल रख रहा हूँ। और वे सीन शिफ्ट होते हैं और हमें पीवी को दिखाया जाता है जो अपना वर्क कर रहे होते हैं। और तभी गेम पीवी के पास आता है और स्मेल करने लगता है, तो पीवी भी साई फील करने लगते हैं। तभी पिंक और नुक गेम के पास आते हैं और कहते हैं पीटोन ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। तो पीवी कहते हैं क्या? गेम कहते हैं ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। पीवी कहते हैं क्या पीटोन ने बताया कि वह कब तक आने वाला है? नुक कहते उसने कहा कि वह लगभग 10 से 11 के बीच तो आ ही जाएगा। गेम कहते हैं 10 से 11 के बीच, अब हम लोग क्या करें? पीवी कहते हैं पीटोन एक ग्रेट शेप है और उसकी जगह कोई रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। गेम कहते हैं कौन हो सकता है जो उसकी जैसा कुक कर सके और वो अभी हमारे साथ यहाँ आ सके? तो पीवी कहते हैं मम। और फिर मम आते हैं और वे खाना कुक करने लगते हैं और वह कुक करते करते डियो के बारे में ही सोच रहा होता है, जब उसने कहा था कि कल रात मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊँगा। और फिर हमें दो बॉयज को दिखाया जाता है जो मम की बाइक की पाइप को काट रहे होते हैं। गेम मम के पास आता है और कहता है एक न्यू ऑर्डर और आया है। मम कहते हैं कि आज इतने सारे ऑर्डर क्यों आ रहे हैं? गेम कहते हैं हे मम प्लीज़ काम डाउन, तुम जानते हो कस्टमर भगवान की तरह होते हैं। मम कहते हैं मेरे भगवान कभी भी फिश में सीरम नहीं खाते। तो गेम कहते हैं प्लीज़ काम डाउन। और तभी पीटोन आ जाते हैं। तो मम पीटोन से कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अब संभाल लेना। तो पीटोन यस कहते हैं। और फिर मम जल्दी जल्दी आते हैं और वह डियो से कहते हैं डियो प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खोज सकता। और तभी मम के सामने से एक कार आती और मम की उस कार से हिट हो जाती और मम सड़क पे गिर जाते हैं। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।